कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी विद्यार्थी 9 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ सेट सी। चलिए यदि आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाते हो तो मेरी गारंटी इसी पेपर से आपको 50 से 60 नंबर का फंसने वाला है। मैंने आपको सेट ए बी सी डी ई एफ तक प्रोवाइड कराए हैं पर अंतिम मौका है, इसलिए ए बी सी डी चार कर लोगे तो भी टॉपर बन जाओगे। चलिए तो ये सेट सी को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, तृतीय विभक्ति कौन सी विभक्ति जाएगी, तृतीय विभक्ति जाएगी। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन से रूपम तो राजा ना आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति फलम, क्या रहेगा फलम रहेगा। आगे एक वचनस्य रूपम अस्ति, ठीक है तो एक वचनस्य रूपम का जाएगा राज्ञा, पर्यावरण से संरक्षणम का इसका एव हो जाएगा। अधो लिखित सो अवयव नास्ति तो अस्तु हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ से तो पहले का आपका महान, दूसरे में आपको वृषभम भरना है, तीसरा आपका रसालम आ जाएगा, चौथा जो है द्वितीय गति आ जाएगा। ग्रहन्ति इतस्य विलोम पद बनाएंगे तो मुच्यन्ति आ जाएगा, ये आपका पाँचवा रहेगा। छठा जो है प्रथम का विलोम पद जो है ना वो द्वितीय आ जाएगा। ठीक है इतना हो गया है, ये कंप्लीट करना अच्छे से। अगला है आपका युग्म मेलेन कृत भानुदे जो है उसमें संधि है। देखिए जब भी बड़ा और बड़ी ई और बड़ो ऊ आए, जैसे विद्यालय पुस्तकालय, इन सब में कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। आप तो घबराओ क्यों, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हर पल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अभी भी जिस बच्चों को ऐसा है कि नहीं हमारे पास तो रियल पेपर आ जाएगा, तो वो बच्चा हमारे लिए लायक नहीं है, वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ये हारे का सारा हमारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा है, तो बस आप अपने इस चैनल के साथ जुड़िए। देखिए एक लगाव के साथ जुड़ेगा, वास्तविकता के साथ जुड़िएगा, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भानुदेव का आ जाएगा दीर्घ संधि। सूरधन ईसा इसका आ जाएगा सुरेशा, तो जिसमें एक ही मात्रा है वो आपकी आ जाएगी गुण संधि। ठीक है तो ये आपका जाएगा दो नंबर वाला है। दशा नंद में आपका बहुब्रीय समास है। बान हता में आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास, तो ये आपका चौथा हो गया है। ये पंचवटी में आपका आ जाएगा दिग्गु समास, तो ये हो जाएगा आपका पांचवा। पितरों की बात करें तो द्वंद्व समास आ जाएगा। इतना हो गया, ये देखिए ध्यान से आप। तो ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं अब, है ना। यहाँ से एक पदेन उत्तरम लिखत, तो एक पदेन का आपकी बात करें कथिता इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कत प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा प्रत्यय, कत। अज प्लस ताप का आ जाएगा अजा। गता इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, गता में कौन सा प्रत्यय, तो कत प्रत्यय आ जाएगा इसमें भी। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलित, तो काला यश चक्रम। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते आदर्शा, और उदय समय अस्त समय चा का रक्त भवती सविता। ठीक है भैया चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैंने आपसे कहा ना जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी में से आपका 100% श्योर फंसने वाला है ना। मैंने नहीं कहा है कि रियल है ना, ये बार बार बच्चे फिर भी कि ना जाने कैन से कौन कौन से मूर्ख है जो कमेंट करते रहते हैं ना कि यार ये फेक है। तो भैया दादा रियल जिसके पास मिल रहा देखो, अभी छोड़ो तुम लायक ही नहीं हो इस चैनल लायक। ठीक है यहाँ से ये चैनल तो उन बच्चों के लिए जो वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं, और वास्तविकता बनना नहीं है तो जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है और ये पेपर एक ही पेपर के जवाब दे ले लूँ 50 से 60 नंबर का फंसेगा। अत्र जीवितम की दृशम जातम, ठीक है यदि हम क्वेश्चन नंबर छठे की बात करें तो अत्र जीवितम की दृशम को हटा देना है और इसकी जगह पर आ जाएगा आपका दुर्वाहन। हो गया सर्वदा सर्वकार्यसु का बलवती, तो ये का हटा देना है और उसकी जगह पर पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है बुद्धि, नहीं तो पता चले केवल बुद्धि लिख दो बस, इतना नहीं।
सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संस्मरण कठिन वर्तते। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सातवां जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से लो ये, और इसका अथवा वाला भी ले लेना है ना भैया। ठीक हो गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं और आठवां देखते हैं। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, तो मातु अधिक कृपा, ये कस्मिन की जगह पर आ जाएगा आपका दुर्बले, दुर्बले सुते भवति। बाल भवात हिमकारा कुत्र विराजते, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जाएगा ये आठवां है ना, ये आठवें का तो वाला ये यहाँ से लो, इसका उत्तर है ना ये। हो गया इतना, पूरा लिखवा लिया, ऐसा नहीं बच्चों के द्वारा मैंने, ताकि आपको हमारे बच्चों को कठिनाई नहीं होना चाहिए जो इस चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने भर दिया है निर्धना जना कथम विपत्त उपार्जितवान, तो यहाँ देखिए कथम हटाना और इसकी जगह पर भूरी परिश्रम्य लिखना है, तो पूरा बन जाएगा निर्धना जना भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। इसी तरह का की जगह पर आ रक्षा जाएगा, यानी कि वास्तुता चोर कौन था, तो कोतवाल जो था ना वही चोर था। सरस तीरे वसंती, तो इसका आप ढूंढ लेना, नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से देखिए छनम एकांतरे कांते आ जाएगा। यहाँ से अपन आगे की बात करेंगे तो पक्षिना को हटाकर पूरा केसाम लिख देना है, पूरा मतलब लिख के ना कि इसको हटाकर केसाम लिख दो, पूरा लिख दो, और क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना क्योंकि प्रश्न में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये मैंने पूरा भर दिया है। फिर इसके बाद में है आपका का कम कथ्यति, मतलब किसने किसको कहा, तो गच्छ वत्से सर्वभद्र जायते, तो ये इंद्र ने सुर भीम को कहा था और नीचे वाला सुरभि को इंद्र ने कहा था, तीसरा आप देख लेना। यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें आपके दिए गए हैं श्लोक, क्या दिया गया है, श्लोक दिया गया है, और यहाँ पर अगला है आपका अशुद्ध वाक्यान है तो शुद्ध करना। देखिए पुत्रस्य जो लिखा है ना, इसका जाएगा पुत्रेन, बस पूरा लिख देना है, ऐसा नहीं मैं तो यहाँ पर इतना सा लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है, पिता पुत्रेन सह गच्छति। शिव नमः, शिव को हटा देना है और क्या लिख देंगे, शिवाय नमः, क्या जाएगा, शिवाय नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षस्य का जाएगा हट जाएगा और वृक्षात इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये वृक्षात हो गया। ठीक है, इसके बाद में माता बालकम दुग्ध दधती, तो बालकम का हट जाएगा और का जाएगा, बाल काय आ जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसके बाद में अपन 15 की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पहले में आपको यहाँ पर अही भूख भरना है, दूसरे में राजपुत्र भरा जाएगा, तीसरे की बात करें तो यथा समय आपका हो जाएगा, चौथे में बुद्धिमति हो जाएगा, पाँचवें के अंतर्गत चित्ते आ जाएगा, ये अपन और छठा भ्रसम आ जाएगा, कर लेना है ना, क्योंकि इतना ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देखिएगा आप, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्रम संयोजन है, घटना के अनुसार बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो यानी घटना के अनुसार एक बाय सीरियल बनाओ, तो देखिए पहला ये है, दूसरा ये बनेगा आपका, तीसरा और ये चौथा। नंबर रट के नहीं जाना, थोड़ा पढ़ के जाना है ना। यदि हम बात करें इसके क्रम संयोजन की, तो अथवा वाला है, ये पहला रहेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा रहने वाला है। हो गया, अब है वाच्य परिवर्तन क्रूत, तो ये देख सकते हैं वाच्य परिवर्तन में आपका। ठीक है भैया, चलिए वाच्य परिवर्तन क्या है, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 है, तो ये मैंने बच्चों पे देखिएगा कॉपी में लिखवा लिया, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आई, इसलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहा, ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, ये वैसे एक सेपरेट वीडियो में मैं इनको समझाऊंगा, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, वो डाल दिया है चैनल पर, लॉन्ग वीडियो है जो रहेगा। ठीक है, बड़ा वीडियो उसको प्लेलिस्ट में जोड़ भी दूंगा, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, इसका अथवा हो गया है, ये अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये यहाँ पर 18,
हो गया 18। इसके बाद में इसका अथवाला देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, हो गया भैया। फिर इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो है, ये अथवाला हो गया 18वां, पहले तो ये 18वां हो गया पूरा, स्क्रीन शॉट ले लिया, ये हो गया, ये इसका अथवा वाला यहाँ पे है। उन्नीस देख सकते हैं आप, ये